students, welcome back in hort 2 to 1 production technology for fruits and plantation crops. lecture 21, jack fruit. in this lecture, i will cover important point, soil, climate, important varieties, propagation, planting, interculture, intercropping, flowering, and fruiting, harvesting, insect-based disease, and their control. लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक जैक फ्रूट जिसको हिंदी में अपने कटहल कहते हैं सब्जी के रूप में ज़्यादातर आपने देखा होगा वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फसल नहीं है कल्टीवेशन वाइज अगर इसको देखा जाए कि इसकी कल्टीवेशन एग्जाम में पूछी जाती है नहीं पूछी जाती ज़्यादातर नहीं पूछी जाती इसमें से कोई छोटे मोटे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं जैसे बोटनीकल नेम पूछ लिया ठीक है जो क्रोमोजोम या फिर इसका एडिबल पार्ट क्या है ऐसे कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पूरी की पूरी कल्टिवेशन ज़्यादातर नहीं पूछी जाती ठीक है बोटनिकल नेम इसका जो बांस्पतिक नाम होता है आर्टोकारपस हिट्रोफिलस होता है ठीक है फैमिली इसकी मोरेसी है मोरेसी कुल का है जो अपने पीपल का रहता है या बरगद का रहता है वही कुल है इसका मोरेसी क्रोमोजोम नंबर इसके टू एंड फिफ्टी सिक्स होते हैं ऑटो टेट्राप्लोइड होता है ठीक है चार सेट में पाए जाते हैं मतलब टेट्राप्लोइड होता है ऑटो मतलब खुद के ही इसके अंदर पाए जाते हैं सेल्फिंग होती है औरजन इसका जो उत्पत्ति है वो इंडिया है फ्रूट टाइप इसका सोरोसिस होता है ठीक है मल्टीपल फ्रूट के अंदर आ जाता है सोरोसिस एडिबल पार्ट इसका ब्रैक्ट और पेरियंथ्स होता है यानी कि ब्रैक्स कह देते हैं अपने ब्रैक्स खाते हैं या कह लो कि पेरियंथ्स खाते हैं उसका फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके फ्रूट अकर टर्मिनली ऑन द करंट सीजन ग्रोथ जो फ्रूटिंग होती है वो टर्मिनली होती है मतलब ये कह लो कि शीर्ष के ऊपर होती है बिल्कुल जो अंततः भाग होता है वहाँ पे ठीक है जो नए सीजन की ग्रोथ होती है उसके ऊपर ठीक है वैसे तो इसमें कैलीफ्लोरस बियरिंग हैबिट होती है इसकी कैलीफ्लोरस बियरिंग हैबिट मतलब इसके जो भी फल लगते हैं ज़्यादातर फल ठीक है मैक्सिमम वो आपको ट्रंक के साथ लगे हुए दिखाई देंगे मतलब जो मेन तना होता है उसके साथ लगे हुए दिखाई देंगे ना कि जो सेकेंडरी या ट्राइटरी शाखाएं होती हैं ब्रांचेज होती हैं उनके ऊपर दिखाई देंगे वहाँ पे नहीं लगेंगे इसके फल ज्यादातर आपको जो मेन तना होता है ना उसके ऊपर झूलते हुए दिखाई देंगे साथ में लगते हुए इसीलिए इसको कैलीफ्लोरस फ्रूटिंग हैबिट या बेयरिंग हैबिट कहते हैं इसे ठीक है जैसे पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है ज़्यादातर जो फल है वो मेन तने के साथ ट्रंक के साथ लगते हैं इसी को कैलीफ्लोरस बियरिंग हैबिट कहते हैं फलों की ठीक है इसके अलावा वीवी पेरी कंडीशन प्रजेंट इन जैक फ्रूट वी पेरी कंडीशन होती है कि जब फल पेड़ के साथ लगा हुआ है उसी के अंदर जो उसके अंदर बीज है वो उसके अंदर ही जर्मिनेट हो जाए उगने स्टार्ट हो जाए ठीक है मान लो एक पेड़ है जैसे जैक फ्रूट का आपको दिखाई दे रहा है मान लो कि इसकी एज थोड़ी ज़्यादा हो जाए फल तोड़े ना जाएं तो इसके अंदर बीज मैच्योर हो जाएंगे और वहीं पे वो जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाएंगे नहीं तो क्या होता है कुछ जो फल होते हैं उनके बीज तब तक जर्मिनेट नहीं होते जब तक वो उसके अंदर रहते हैं फल के अंदर रहते हैं पर इसमें ऐसा नहीं होता इसमें वीवी पेरी कंडीशन होती है तो इसमें फल के अंदर से बीज जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाते हैं उगने स्टार्ट हो जाते हैं इसे बीवी पेरी कंडीशन कहते हैं सीड्स आर सोन इमीडिएटली आफ्टर एक्सट्रैक्शन जो बीज होते हैं उनको जैसे ही फल से निकाल लिए जाते हैं एक्सट्रैक्ट कर लिए जाते हैं उनको बुआई कर देनी चाहिए सोक द सीड्स इन ट्वेंटी फाइव पी पी एम एन ए ए नैप्तलिक एसिटिक एसिड फॉर ट्वेंटी फोर हॉस्ट दिस इम्प्रूव जर्मिनेशन एंड सीडलिंग ग्रोथ जो बीज होते हैं उनको नेप्थलिक एसिटिक एसिड के पच्चीस पी पी एम जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर 24 घंटे के लिए भिगो के रखो जिससे क्या होगा कि आप उन बीजों का एक तो अंकुरन जो होता है जर्मिनेशन वो अच्छा होगा इम्प्रूव होगा और साथ में जो सीडलिंग की ग्रोथ है जर्मिनेशन के बाद जो उसकी ग्रोथ होगी वो भी अच्छी होगी इट कंटेंट ट्वेंटी परसेंट कार्बोहाइड्रेट जो जैक फ्रूट होता है इसमें बीस प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है ठीक है शर्करा पाई जाती है बीस प्रतिशत शर्करा होती है दे आर कंसिडर्ड ए गुड सोर्स ऑफ पैक्टीन और ये जो जैक uh, फ्रूट होता है ये पैकटीन का अच्छा स्रोत होता है ठीक है इट इज ए लार्जेस्ट फ्रूट ग्रोन इन इंडिया और भारत के अंदर सबसे बड़ा फल है जो उगाया जाता है भारत के अंदर जो दूसरे फल है जैसे मैंगो या बनाना या कोई भी उनमें उनमें से सबसे बड़ा फल होता है जैक फ्रूट वैसे एक्चुअल में बता दूं जैक फ्रूट कटल अपने ज़्यादातर एज ए वेजिटेबल यूज़ करते हैं ठीक है और इसको ज़्यादातर खाया नहीं जाता सिंपल टेबल परपज़ के लिए यूज़ नहीं किया जाता पर हाँ ये पेड़ पे लगता है इसीलिए इसको फ्रूट कैटेगरी में भी रखा जाता है तो इसलिए लार्जेस्ट फ्रूट है जो उगाया जाता है दे कैन नॉट टोल्ड एंड कोल्ड एंड फ्रस्ट और ये जो पाला होता है और जहाँ फिर ये कह लो कि ठंड होती है उसको सहन नहीं कर सकता मैक्सिमम प्रोडक्शन टेक प्लेस इन असम जो मैक्सिमम प्रोडक्शन है कटहल का वो असम के अंदर लिया जाता है मतलब असम का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है कटहल के अंदर वराइटीज़ जो इसकी हैं किसमें गुलाबी है चैम्प है इसके अलावा हजारी इसके अलावा रुद्राक्षी जैक सिंगापोर और साइलोन जैक मुट्टम वरिका मट्टम वटिका भी बोल देते हैं ठीक है मंकी जैक ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट किस्में हैं इसके अलावा क्लाइमेट एंड सोयल जैक फ्रूट इज़ ए ट्रॉपिकल प्लांट दैट थ्रवाइव वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट जैक फ्रूट जो होता है वो एक ट्रॉपिकल प्लांट होता है ठीक है उष्ण कटिबंधीय फल होता है और ज़्यादातर ये जो गर्म और आदर जलवायु होती है उसमें अच्छी ग्रोथ या थ्रवाइव करता है उसमें अच्छा सर्वाइव करता है ये ठीक है ग्रोन अप टू एन एल्टीट्यूड ऑफ फिफ्टीन हंड्रेड मीटर इसको समुंदर तल से कह लो जो एक पंद्रह सौ मीटर की ऊंचाई तक इसको उगाया जाता है लगभग पंद्रह सौ से समुंदर तल से ऊंचाई रहती है मीन सी लेवल उससे पंद्रह सौ मीटर की ऊंचाई तक इसको कल्टीवेट किया जाता है सेंसिटिव टू कोल्ड एंड फरोज जैसा मैंने पहले बताया था ये जो होता है ठंड और पाले से सेंसिटिव होता है मतलब संवेदी होता है एक तरीके से संवेदनशील होता है ये सहन नहीं कर सकता डीप जो सोयल है इसके लिए डीप रिच वेल ड्रेन्ड एलोवियल सोयल इसकी जो कल्टीवेशन की जाती है वहाँ पे गहरी ये कह लो कि समृद्ध ठीक है कार्बनिक पदार्थों से भरपूर वेल ड्रेन अच्छे जल निकास वाली एलोवियल सोयल जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो इसकी खेती के लिए उत्तम रहती है फिर है प्रोपोगेशन प्रवर्धन यूजली प्रोपोगेटेड बाय एयर लेयरिंग जो ज़्यादातर इसकी कमर्शियल प्रोपोगेशन मेथड है वो एयर लेयरिंग है एयर लेयरिंग से इसमें पौधे तैयार किए जाते हैं ठीक है जिसको अपने गुट्टी बोल देते हैं मारकोटेज बोल देते हैं चाइनीज लेयरिंग बोल देते हैं उससे इसका प्रवर्धन किया जाता है गुट्टी से इसमें प्रवर्धन करते हैं सुटेबल टाइम फॉर एयर लेयरिंग इज़ फ्रॉम जुलाई टू सितंबर और जो इसका उपयुक्त समय होता है लेयरिंग करने का वो जुलाई से लेकर सितंबर तक का होता है इसमें गुट्टी बनाई जाती हैं लगाई जाती हैं जिससे कि पौधे तैयार प्लांटिंग पिट्स ऑफ साइज वन क्यूबिक मीटर्स आर डग टू वीक बिफोर प्लाटिंग टू अलाउ एक्सपोजर टू द सन टू डिस्ट्रॉय सोयल बोर्न पैथोजन जो पिट्स होते हैं गड्ढे होते हैं वो एक क्यूबिक मीटर साइज़ के एक मीटर लम्बे एक मीटर चौड़े और एक मीटर गहरे खोदे जाते हैं लगभग दो सप्ताह पहले प्लांटिंग जब भी करनी होते दो सप्ताह पहले खोदे जाते हैं जिससे कि उनका एक्सपोजर हो सके सन के अंदर सूर्य की रोशनी उसके सूर्य का जो किरणें होती हैं उसके अंदर पहुंच सकें और जिससे उसमें कोई भी सोयल बोर्न पैथोजेंस हैं कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बीमारी फैलाता है वो डिस्ट्रॉय हो सके वो ख़त्म हो जाए प्लांटिंग डिस्टेंस इज़ किप्ड एट टेन इंटू टेन मीटर जो प्लांटिंग डिस्टेंस रखा जाता है मतलब पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी वो दस मीटर रखी जाती है मतलब दस मीटर दोनों के बीच में पौधे के अंदर और लाइन uh, से लाइन और प्लांट टू प्लांट इसमें स्पेसिंग रखते हैं दूरी पर प्लांटिंग की जाती है रोपण किया जाता है आइडियल प्लांटिंग टाइम इज मिड जून टू लेट अगस्त बट विद इरीगेशन फैसिलिटीज इट कैन बी एक्सटेंडेड टिल नवम्बर आइडियल प्लांटिंग जो टाइम है मतलब जो अच्छा समय है वो मध्य जून से लेकर अंत uh, अगस्त के अंत तक का है परंतु अगर आप, आपके पास इरिगेशन की अच्छी फैसिलिटी है सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है तो आप इसको नवंबर तक खींच सकते हो नवंबर तक भी इसमें प्लांटिंग की जाती है अगर इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी हैं तो ठीक है नहीं तो मई जून से लेकर अगस्त तक इसकी प्लांटिंग करते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स टू हंड्रेड ग्राम पर ट्री एन एंड ट्वेंटी टू थर्टी के जी एफ वाई एम पर ट्री फुल बियरिंग ट्री जो इसमें एन पी के है नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटाश उसकी जो मात्रा है दो सौ दस एक सौ साठ और एक हज़ार ग्राम ठीक है पर ट्री के हिसाब से दिया जाता है जब पौधा पूरी तरह फलन के अंदर होता है मतलब लगभग सेवन ईयर जहाँ इसके बाद के जो साल होते हैं उस समय दिया जाता है ठीक है और साथ में बीस से तीस किलो गोबर की खाद प्रति पौधा दिया जाता है अप्लाई द फुल अमाउंट ऑफ एफ वाई एम प्लस फॉस्फोरस प्लस पोटाश एंड हाफ ऑफ नाइट्रोजन एट द एंड ऑफ जनवरी जो गोबर की खाद की फुल मात्रा है फॉस्फोरस फुल मात्रा है पोटाश की फुल मात्रा है और साथ में आधी नाइट्रोजन जुलाई के अंत में दी जाती है ठीक है और द रिमेनिंग हाफ ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम फरवरी टू मार्च और जो रिमेनिंग मात्रा बच जाती है नाइट्रोजन की आधी मात्रा बच जाती है आधी मात्रा ही दी है क्योंकि अपने फास्फोरस पोटाश की पूरी मात्रा साथ में गोबर की खाद भी पूरी मात्रा और साथ में आधी नाइट्रोजन अपने जनवरी के अंत में दी थी और जो बच गई मात्रा नाइट्रोजन की उसे फरवरी और मार्च के अंदर दिया जाता है पौधे को इरिगेशन जैक फ्रूट इज कल्टिवेटेड इन इंडिया एज ए रेनफेड क्रॉप जो जैक फ्रूट है इसको इंडिया के अंदर एक बरानी फसल के रूप में कह लो या फिर एक वर्षा आधारित फसल के रूप में उगाया जाता है जहाँ के सिंचाई अलग से इसमें फैसिलिटीज़ नहीं रखी जाती ठीक है इरीगेशन इज़ रिक्वायर्ड इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन वेयर एनुअल रेनफॉल इज़ लेस इरीगेशन वहाँ पर आवश्यकता होती है जहाँ बरानी होते हैं या फिर मध्यम से बरानी क्षेत्र होते हैं जहाँ पे कह लो कि सूखे शुष्क क्षेत्र होते हैं ठीक है जहाँ ज़्यादा बरसात नहीं होती वहाँ पे सिंचाई की आवश्यकता होती है जहाँ पे कम वर्षा होती है वहाँ सिंचाई की आवश्यकता होती है वैसे अगर इसको नेचुरली देखा जाए जैसे आसाम और इधर इनको कल्टिवेट किया जाता है तो वहाँ पे ज़्यादातर इसको रेनफीड क्रॉप के रूप में ही कल्टिवेट करते हैं फिर इंटरकल्चर एंड इंटरक्रॉपिंग द औरचार्ड फ्लोर एंड ट्री बेसेंस शुड बी कीप फ्री फ्रॉम वीड्स बाई फ्रिक्वेंट शैलो हुइंग कल्टिवेशन ऑफ सम वेजिटेबल्स लाइक रेडिश ब्रिंजल चिल्ली एक्सेट्रा कैन जनरेट सम इनकम जो ऑर्चर्ड की फर्श होती है जहाँ कह लो कि उसका नीचे का जो जमीन खाली जमीन बचती है ऑर्चर्ड की बाग की और जहाँ फिर जो पेड़ का बेसिन होता है बेसिन मतलब जो उसमें अपने एक खड्डा बना देते हैं रिंग बना देते हैं पेड़ के साथ में उसको बीट फ्री रखा जाता है उसमें खरपतवार उगने नहीं दिए जाते एक हल्की गुडाई करके उसमें से खरपतवारों को निकाल दिया जाता है इसके अलावा कुछ जो सब्जियां हैं उनकी कल्टीवेशन करके जैसे आपकी मूली है बैंगन है मिर्च है इनकी कल खेती करके दो लाइनों के मध्य खेती करके जो भी खाली स्पेस बचता है और चार्ड के अंदर उसमें तो करके अपने कुछ इनकम या कुछ आय भी जनरेट की जा सकती है अर्जित की जा सकती है फ्लोवरिंग एंड फ्रूटिंग फ्लोवरिंग स्टार्ट फ्रॉम लेट नवंबर टू दिसंबर एंड कंटिन्यू टिल फरवरी जो फ्लोवरिंग है कटहल के अंदर वो लेट नवंबर से लेकर मतलब नवंबर के अंत से लेकर दिसंबर तक इसमें लगभग फ्लोवरिंग होती है और ये ज़्यादातर फरवरी तक भी चली जाती है कई बार फरवरी तक कंटिन्यू फ्लोवरिंग चलती रहती है इट इज़ ए मोनोसियस ट्री जो जैक फ्रूट होता है वो मोनोसियस होता है मतलब इसमें मेल और फीमेल फ्लोवर अलग अलग एक ही पौधे पे पाए जाते हैं ठीक है मोनोसियस के एक सिंपल से एग्जांपल दे देता हूँ मेज जो आप मक्का कहते हो मक्का मोनोसियस होता है ठीक है उसमें नर मंजरी ऊपर निकलती है नीचे से भुट्टा निकलता है ठीक है आपने देखा हुआ होगा सेम इसमें कंडीशन रहती है इसमें जो इन्फ्लोरेसेंस होता है इसका वो स्पाइक टाइप का होता है जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं कुछ ऐसा ही होता है इसमें जो आ, बिल्कुल प्लेन सा दिखाई दे रहा है वो इसका फीमेल फ्लोवर है ठीक है स्पाइक है और साथ में जो इसको कवर करने के लिए ऊपर एक साइड में हाथ सा दिखाई दे रहा है वो इसका मेल फ्लोवर है ठीक है मतलब ये एक मोनोसियस है इसमें मेल और फीमेल पार्ट अलग अलग होते हैं वैसे अलग अलग जगह पे भी लगे हुए रहते हैं मेल इन्फ्लोरेसेंस अराइज फ्रॉम बोथ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी ब्रांचेस एंड द ट्रंक जो मेल इन्फ्लोरेसेंस होता है मतलब जो नर इन्फ्लोरेसेंस होता है वो ज़्यादातर जो प्राइमरी और जो सेकेंडरी शाखाएँ होती हैं पौधे के ऊपर प्राइमरी या फिर शाखाएँ सेकेंडरी शाखाएँ जो शाखाएँ हैं मतलब कहने का और उसका जो तना होता है मेन उसके ऊपर दोनों जगहों पर मेल फ्लोवर उगते हैं वाइल्ड फीमेल स्पाइक द इमरजेंस फ्रॉम द ट्रंक जबकि जो फीमेल स्पाइक होता है जो मादा पुष्प होते हैं ठीक है, है? इन्फ्लोरेसेंस होते हैं वो हमेशा जो ट्रंक होता है तना होता है उसके साथ ही उगते हैं ठीक है मेल ज़्यादा होते हैं संख्या में कह लो क्योंकि वो सेकेंडरी ब्रांचों पे भी उगते हैं और कुछ ट्रंक पे भी उगते हैं और जो फीमेल रहते हैं वो मेन ट्रंक पे होते हैं इसीलिए फल जो बनते हैं वो ट्रंक के साथ साथ बनते हैं जो मेन तना होता है उसके साथ ही बनते हैं ठीक है इसको आप रूट स्टॉक भी कई बार लिखा हुआ आ जाता है कि जो इसमें फलन जब पुष्पन होता है वो रूट स्टॉक के ऊपर होता है रूट स्टॉक मतलब मेन जो तना रहता है उसके ऊपर होता है ठीक है द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल फ्लोवर इन स्मॉल ट्रीज इज वेरी हाई जो रेशियो होता है मेल से फीमेल फ्लोवर का जो छोटे पौधे होते हैं पेड़ होते हैं उनके अंदर ज्यादा होता है मेल ज्यादा होते हैं फीमेल की तुलना में हार्वेस्टिंग ए डल Hollow साउंड इज प्रोड्यूस्ड वैन द फ्रूट इज टैप्ड विद ए फिंगर एक कह लो भद्दा और खोखली आवाज़ आती है भद्दी कह लो जब भारी आवाज़ सुना देती है जब फलों को उंगलों उंगलियों से बजाने की कोशिश की जाती है ठीक है उसको टैप किया जाता है तो, तो उसमें से एक भारी आवाज़ सुनाई देती है खोखली आवाज़ सुनाई देती है जैसे ही फल पक जाता है तो ठीक है मेचोरिटी होती है तब द लास्ट लिप ऑफ द स्टाक टर्न येलो जो लास्ट लीफ होती है उसके स्टाक के ऊपर मतलब जहाँ से फल जुड़ा हुआ है उसके ऊपर की जो पत्तियाँ रहती हैं बिल्कुल पहली पत्तियों का पेयर रहता है वो पीले रंग में बदल जाता है वो पीला पड़ जाता है द स्पाइंस ऑफ द फ्रूट आर वेल डेवलप्ड एंड डिस्टेंड जो स्पाइंस होते हैं फ्रूट के ऊपर कांटे जैसे इधर दिखाई दे रहे हैं पिक्चर में नीचे जो इमेच्योर फ्रूट कच्चा फल है और ऊपर वाले मैच्योर फल के हैं मतलब वो चीज़ अच्छे विकसित हो जाते हैं वो कांटे ऊपर जो दिखाई देते हैं ठीक है और थोड़े स्पेस ले लेते हैं डिस्टेंस हो जाते हैं मतलब उनमें थोड़ी दूरी बढ़ जाती है पहले ये चिपके चिपके से रहते हैं और जैसे ही ये मैच्योर हो जाते हैं थोड़े बिखर जाते हैं और हार्ड हो जाते हैं कठोर हो जाते हैं अच्छे विकसित हो जाते हैं एक फ्रैगरेंट ऑर्डर डेवलप्स और इसमें से एक कह लो कि एक अच्छी खुशबू एक फ्रैगरेंट डेवलप हो जाती है खुशबू आने लग जाती है एक अच्छी सी इसमें से द टेंडर जैक फ्रूट विच इज़ यूज फॉर कुकिंग कुलनेरी पर्पज़ इज प्लग बिफोर द सीड्स हार्डन जो टेंडर जैक फ्रूट है कच्चा कह लो कच्चा जो फल होता है अगर अपने कुकिंग के लिए इसको यूज करना है यानी कि अपने इसको सब्जी के लिए यूज करना है तो ज़्यादातर इसको टेंडर जब फ्रूट होता है उसको हार्वेस्ट किया जाता है जबकि जब उसके बीज अभी हार्ड ना हुए हों अंदर से बीज अभी पके ना हों तब इसको तोड़ा जाता है अगर इसको सब्जी के लिए यूज करना है तो ईल्ड उपज इसकी टू हंड्रेड फिफ्टी टू थ्री हंड्रेड फ्रूट्स पर ईयर इसमें से लगभग दो सौ पचास से तीन सौ फल प्रति वर्ष आपको मिल जाते हैं एक पेड़ से द वेट ऑफ इंडिविजुअल फ्रूट वेरिज़ फ्रॉम लेस देन एक किलोग्राम टू फिफ्टीन टू ट्वेंटी किलोग्राम जो इसका एक इंडिविजुअल फल का वज़न होता है वो आधे एक किलो से भी कम से लेकर पंद्रह से बीस किलो तक का हो सकता है मतलब जो एक फल का वज़न होता है वो पंद्रह बीस किलो भी हो सकता है ठीक है आधे किलो से लेकर ये कह लो या फिर एक किलो से कम से लेकर पंद्रह से बीस किलो तक का फल फिर है इंसेक्ट पेस्ट शूट एंड ट्रंक बोरर डाइफोनिया कैसेल द कैटर पिलर्स बोरो इंटू ब्रांचेज बर्ड्स एंड फ्रूट्स जो इसकी कैटर पिलर होती है एक लट की तरह कह लो ठीक है एक सुंडी वो इसकी जो ब्रांच होती हैं जहाँ जो बर्ड्स होती हैं कलियाँ होती हैं जहाँ फल होते हैं उनके अंदर शेद कर देती है ठीक है जैसे तने के अंदर आपको स्टेम के अंदर दिखाई दे रहे हैं पिक्चर के अंदर कुछ शेद कर देती है कंट्रोल है स्प्रे ऑफ कार्बेराइल एट द रेट फोर ग्राम पर लीटर इन फ्लोवरिंग सीजन फ्लोवरिंग सीजन के अंदर कार्बेरइल का चार ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए फिर है फ्रूट बोरर ग्लिफोडिस द रेडिश ब्राउन लार्बी बोर इन टू द फ्रूट एंड डिस्ट्रॉय देम एक रेड uh, लाल भूरे रंग की एक जो लट है सुडी है लार्बी कह लो या कैटरपिलर कह लो वो फ्रूट और जो uh, उनको डिस्ट्रॉय कर देती है मतलब उनके अंदर बोर कर देती है उनको शेदित छिद्रित कर देती है और उनको डिस्ट्रॉय कर देती है ठीक है कंट्रोल है इसका स्प्रे ऑफ कार्बेरिल एट द रेट फोर ग्राम पर लीटर इन फ्लोवरिंग सीजन इसके लिए भी जो कंट्रोल है वो कार्बेरिल का ही है आपको चार ग्राम को एक लीटर पानी के अंदर घोल ठीक है उसका छिड़काव करना है फिर है डिजीज़ कंट्रोल इसके अंदर पिंक डिजीज ये आपको वैसे सिट्रस के अंदर भी देखने को मिल जाएगी पिंक डिजीज वो ट्राई सीडियम कलर के कारण ये होती है इसका कोजल ऑर्गेनिज्म है यंग वुडी ब्रांचेस शो डाईबैक सिम्टम्स एंड पिंक इनक्रप्शंस इन सीन ऑन लोअर साइड्स ऑफ द लिव्स जो पुरानी शाखाएँ या कह लो कि बूढ़ी ब्रांचेज होती हैं वो डाईबैक वाले सिम्टम शो करती हैं डाईबैक सिम्टम्स से मतलब ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ सूखना स्टार्ट कर देती हैं ऐसे कोई सिम्टम्स शो करती हैं और पत्तियों की जो पिछली साइड होती है बैक साइड होती है वहाँ पे आपको पिंक कलर की लाइट से पिंक वैसे ऐसे नहीं कह सकते बिल्कुल पिंक पिंक कलर की लाइट से पिंक कलर की आपको एक वृद्धि दिखाई देगी पत्तियों की पिछली साइड ठीक है और कई कई बार ये तने के ऊपर भी दिखाई देती है ठीक है कंट्रोल एट द अफेक्टेड पार्ट शुड बी कट अलोंग विद सम हेल्दी टिश्यूज़ जो भी प्रभावित पौधे का भाग है उसे कुछ स्वस्थ भाग के साथ मतलब उसको कुछ नीचे से काट कर हटा देना चाहिए द कट एंड शुड बी कवर्ड विद बोडोक्स पेस्ट और जो भी आपने जिस बाग को काटा है उस जगह पे बोडोक्स पेस्ट को लेप लगा देना चाहिए बोडोक्स पेस्ट को कवर कर देना चाहिए उस बाग को कटे हुए बाग को ठीक है उसके अलावा नेक्स्ट डिजीज़ है इसमें ब्लॉसम एंड फ्रूट ब्लाइट बोटराइटिसरिया और फिर राइजोफस स्टोलोनी फेर के कारण ये दो कॉजल ऑर्गेनिज्म है उनके कारण होती है अटैक द डिजीज कॉज द प्री मैच्योर ड्रॉप ऑफ फ्रूट्स ड्रॉप्स ऑफ जंग जैक फ्रूट्स जो इसका अटैक है इसके कारण जो भी आपके कच्चे फल होते हैं मैच्योरिटी से पहले ही फल जमीन पे घिर जाते हैं गल कर घिर जाते हैं कहने का मतलब कंट्रोल है स्प्रे बैनोमिल जीरो पॉइंट जीरो फोर परसेंट इसके लिए बैनोमिल का जीरो पॉइंट जीरो फोर परसेंट का आपको छिड़काव करना है फिर है राइजोफस रोट राइजोफस रोड ये राइजोफस आर्टोकार्पी के कारण होती है एक कॉजल ऑर्गेनिज्म है इसका पैथोजन यूजली इन्फेक्ट द मेल इन्फ्लोरेसेंट एंड स्मॉल फ्रूट्स जो ये पैथोजन है ठीक है कॉजल ऑर्गेनिज्म जो भी है ये जो मेल uh, इन्फ्लोरेसेंस होता है पुष्प के अंदर उसको और जो छोटे फल होते हैं उनको इन्फेक्ट करता है उनको ज़्यादा प्रभावित करता है द रोट स्टार्ट नियर द स्टाक एंड और जो रोट होती है वो जो स्टाक ऊपर से स्टाक जहां से जुड़ा हुआ है फल वहां से स्टार्ट होती है नियर द स्टाक एंड जहां से स्टाक का एंड होता है वहां से ये शुरुआत होती है इस रोटिंग की इस गलने वाली प्रोसेस की सडन की कंट्रोल स्प्रे डायथेन एम फोर्टी फाइव ऐट द रेट ज़ीरो पॉइंट टू परसेंट एंड वावस्टीन एट द रेट जीरो पॉइंट जीरो फाइव परसेंट थ्री टाइम एट फोर्टीन डेज इंटरवल इसके लिए डायथिन एम फोर्टी फाइव का या फिर वावस्टीन का तीन बार चौदह दिनों के अंतराल पर आपको छिड़काव करना है Thank you.